और आइए अब सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है, शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास, चारों की कर्मभूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब द्वेष भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे, आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में
स्थिति आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है, मित्रों सरेंडर कर। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। मित्रों मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए और मोदी जी हमेशा कहते हैं जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब पिछड़े दलित आदिवासी इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी, हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए, हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। मित्रों मैं तो देश भर की सरकारों के काम का देखता हूं, ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर वन है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया, उनको घर देने की योजना लाए, 82,00,000 लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा, आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबों के लिए एक योजना लाए, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे होता था तो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले गरीबों पर होता था। उन्होंने हर गरीब घर में प्रतिमाह 5 किलो अनाज 2 साल तक भेजने का निर्णय किया। योगी जी ने इसमें दलहन को भी ऐड किया, तेल भी डाल दिया, नमक भी डाला और ये सारी योजना 2 साल तक 15 करोड़ गरीबों को घर में मुफ्त खाने का सामान पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। मित्रों आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे,
कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब से कुछ ही देर में।